पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेकने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ जीवन और स्वास्थ्य की यहां पर कामना की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब सरकार की लापरवाही है, एमएचए ने भी जांच के लिए कमेटी बनाई है, साथ ही कहा है कि हम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। करनाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर करनाल के कमेटी चौक पर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी के नेताओं ने पंजाब में कांग्रेस सरकार को नकारा बताते हुए पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। रेवाड़ी में लेह लद्दाख से शहीद सूबेदार मेजर शमशेर सिंह चौहान का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया। सेना के स्पेशल वाहन शहीद का पार्थिव शरीर लाया गया। सिरसा में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। पिछले कई दिनों से जिले में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद सिरसा स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बार बार आमजनों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक कर रहा है, उसके बावजूद सिरसा में पिछले कई दिनों से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। करनाल के अस्पताल में सरपंच प्रतिनिधि की इलाज के दौरान मौत हो गई। दो दिन पहले सरपंच प्रतिनिधि 35 वर्षीय प्रगट सिंह ने जहरीला पदार्थ निगल लिया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि गांव के व्यक्ति ने उस पर SC ST एक्ट के तहत झूठा केस दर्ज करवाया था, जिससे आहत होकर उसने जहरीला पदार्थ निकला। चरखी जिले जोजोकला थाना में पुलिस प्रशासन ने पकड़ी गई अवैध शराब को डिफ्यूज किया, जिसमें अलग अलग मामलों में पकड़ी गई 592 पेटी अवैध शराब को थाना परिसर के साथ में ही डिफ्यूज किया गया। चरखी दादरी सतीश चंद्र ने बताया कि जिला उपायुक्त के निर्देश पर उन्हें अवैध शराब डिफ्यूज का कार्य सौंपा गया है और पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी में यह शराब डिफ्यूज का कार्य किया गया। बढ़ती ठंड को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली। रैन बसेरे में ओमिक्रॉन और कोरोना को देखते हुए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। रैन बसेरे में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बेंच बनाए गए। रैन बसेरे में आने वाले लोगों के लिए LED TV और भोजन की व्यवस्था भी की गई। रतिया में दुकानदारों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पिछले दो दिनों में शहर में बारिश की वजह से शहर के मुख्य बाजार में अग्रवाल धर्मशाला चौक से लेकर पूजा एम्पोरियम तक का सड़क का निर्माण कार्य यहां पर नहीं हो पाया, जिससे लेकर लोगों में नाराजगी है। आम लोगों को बाजार में फैले भयंकर कीचड़ से बचाने के लिए प्रत्येक दुकान से पैसे एकत्रित कर बाजार में पत्थर डालने का कार्य शुरू किया गया। सिरसा में लगातार दो दिनों से हल्की फुल्की बारिश हो रही है, जो किसानों की फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। गेहूं, सरसों और चने की फसलों के लिए बरसात वरदान साबित हुई है। सरसों और चने की गेहूं की फसल सूखे पाले की वजह से खराब होने की स्थिति में थी, लेकिन अब इस बरसात से इन फसलों को फायदा होगा। यमुनानगर में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर किसान परेशान हैं। वहीं ब्लैक मार्केटिंग करने वाले अधिकारियों की मिनी भगत से खाद का स्टॉक जमा करके उसे महंगे दामों पर बेच रहे हैं। यमुनानगर में 28 दिसंबर को पुलिस को 1520 बोरी यूरिया खाद अवैध रूप से स्टॉक किया हुआ एक गोदाम में मिला।
जिसके बाद पुलिस और कृषि अधिकारियों की मौजूदगी में उस गोदाम को सील कर दिया गया था, लेकिन सील किए गए इस गोदाम से 1187 कट्टे यूरिया खाद गायब हो गई। वहीं गुरुग्राम में सबसे भीड़ भाड़ वाले बस स्टैंड पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। यहां पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के ही लोग नजर आए। पुनरी में यूरिया खाद को लेकर किसानों ने लंबी लंबी लाइनें लगाई। खाद की किल्लत को लेकर किसानों में रोष है। सुरेश कुमार एएसआई ने बताया कि हम जल्द ही व्यवस्था को बना देंगे। अभी तक यूरिया खाद वितरित होने के लिए यहां पर बिक्री स्थल पर पहुंचे नहीं है, लेकिन किसान सुबह 5 बजे से ही लाइनों में लगे हुए हैं। मैम आईटीआई के सामने मुख्य गेट पर अपनी मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी हैं धरने पर बैठे हुए हैं। आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों के वेतन में घोटाले को लेकर सर्व कर्मचारियों ने ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। आईटीआई स्टाफ सदस्य भी कर्मचारियों के पक्ष में आ गए हैं। आईटीआई स्टाफ सदस्य सचिन गांधी ने बताया कि यहां पर किस तरीके से मनमानी हो रही है। जजर में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को मास्क और सैनिटाइजर प्रयोग करने के लिए जागरूक किया। कैथल के लघु सचिवालय परिसर में डीएसपी विवेक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीएसपी ने बताया कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर टिम्बर मार्केट पर बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के मामले में जांच करते हुए एक आरोपी रेशम सिंह को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी से गहनता से पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि इस मामले में तत्कालीन बैंक मैनेजर समेत 3 अन्य लोग भी शामिल थे। फरवरी में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कर दी गई है। पिछले साल 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश के एम्स में 35 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया था। पानीपत में विधायक प्रमोद विज ने इस प्लांट का उद्घाटन किया था, लेकिन इसके बाद से अब तक विभिन्न कारणों के चलते ये प्लांट चालू नहीं किया जा सका था। सभी जांच पड़ताल के बाद अब इसको शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। मेडिकल परिसर में पॉजिटिव केस मिलने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मेडिकल प्रशासन ने फौरन पूरे कैंपस को सैनिटाइज कराया। वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है और 2 गज की दूरी रखने की हिदायत दी जा रही है। कोई भी बिना वैक्सीनेशन के ना जाए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। पानीपत के जाटल रोड पर किराना स्टोर के मालिक 2 भाइयों को गन पॉइंट पर लेकर लगभग 50,000 रुपए लूट की गई। लूट की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित विनोद ने बताया कि दोनों भाई किसान यहां पर किराना स्टोर पर बैठे थे और 2-3 ग्राहक भी मौजूद थे, तभी 4 बदमाश दुकान में घुसे और इस वारदात को अंजाम दिया। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना ने बीते कई महीनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। गुरुग्राम में बीते 24 घंटों के दौरान 1,447 नए मामले सामने आए हैं। नए मरीजों के साथ सक्रिय मरीजों के आंकड़े में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। गुरुग्राम में अब सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 4,220 तक पहुंच गया। पानीपत रोहतक बाईपास पर गांव टाहर के पास बने टोल प्लाजा को स्थानीय लोगों ने और टोल के कर्मचारियों ने फ्री किया। टोल कर्मचारियों ने अपने पिछले 10 महीने के बकाया वेतन के विरोध में टोल को फ्री किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता भी टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां पर जब तक कंपनी स्थानीय ग्रामीणों के लिए टोल फ्री नहीं करती तब तक संघर्ष जारी रहेगा, उन्होंने कहा।
फरीदाबाद के मॉडर्न डीपीएस स्कूल में बच्चे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीन लगवाने पहुंचे। वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में उत्साह नजर आया। नू के ताबड़ू खंड के राव एदल सिंह कॉलेज प्रबंधक और स्टाफ की ओर से बने यहां पर ओर से की गई मारपीट और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने पर भीम आर्मी ने लघु सचिवालय पर एसपी कार्यालय के बाहर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धनवीर प्रवाल ने पुलिस कप्तान वरुण सिंगला को सारी घटना के बारे में अवगत कराया। गुरुग्राम के आर्टेमिस हॉस्पिटल और राजस्थान क्लब ने मिलकर गुरुग्राम के आयकर भवन में इनकम टैक्स के अफसर, स्टाफ और उनके परिवार वालों के लिए हेल्थ कैंप लगाया। इस हेल्थ कैंप में गुरुग्राम के आयकर विभाग के प्रिंसिपल कमिश्नर प्रताप सिंह के साथ कई आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं महेंद्रगढ़ के गांव नांगल सिरोही की युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने फौरन जांच कर मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मृतका की ससुराल पक्ष का कहना है कि काम करते समय पैर फिसलने से पानी के हौद में गिरने से नवविवाहिता की मौत हो गई, जबकि मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज के लिए उनकी बेटी का गला दबाकर हत्या की है। चरखीदादरी के गुडाना गांव के जोहड़ में एक युवक का शव मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। जांच में मृतक युवक के पैर पर रस्सी से पैर बंधे मिले और मुंह पर टेप लगी हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। सोनीपत में एनएलओ नेता और इलाहाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले पर कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना गलत है, लेकिन प्रधानमंत्री का बयान भी सही नहीं। इसके साथ ही अभय सिंह चौटाला ने पिछली कांग्रेस सरकार और तत्कालीन बीजेपी जेजेपी की सरकार पर भी निशाना साधा। टीएमसी नेता अशोक तंवर ने पीएम मोदी के पंजाब घटनाक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी भीड़ जुटाने में नाकाम रही, इसलिए ये सब नौटंकियां की जा रही हैं। फतेहाबाद में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जिले के किसानों को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही फतेहाबाद के नजदीक बीगड़ गांव के गुरुद्वारे में भी जाएंगे। सिरसा के लघु सचिवालय पर भाकियू चढ़ूनी के सदस्यों ने नहरों से सिंचाई का पानी 15 दिन देने और नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों के संचालकों पर कार्रवाई की मांग की और इसको लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। जज्जर में मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। गोलाचुईका से विधायक ईश्वर सिंह ने गोलाचुईका को सौगात देने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार व्यक्त किया। बहादुरगढ़ में उपायुक्त श्याम लाल पुनिया ने मेन बाजार, रेलवे रोड, रोहतक रोड, सब्जी मंडी के साथ अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने कोरोना को लेकर लोगों को सतर्क रहने की लोगों से अपील की। अम्बाला नगर निगम अतिक्रमण को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नगर निगम कमिश्नर ने शहर का औचक निरीक्षण किया और अवैध अतिक्रमण को हटवाया। जुलाना के महम रोड ब्रह्मांडवास मोड़ के पास ट्रैक्टर से गिरने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले में मृतक के पिता ने ट्रैक्टर चालक की लापरवाही बताई है, जिसकी वजह से हादसा हुआ और उनके बेटे की जान गई।